अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोहिब अली फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो जनाब, आज हम लोग फिर निकले हैं अपने बच्चों को लेकर और आप लोगों को एक नई जगह दिखाने। हेलो बोलो। तो जनाब, इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं शहीद मिल्लत रोड के ब्रिज से और ये काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मौसम बहुत क्लियर है, धूप इस वक्त कम हो चुकी है और हम इस वक्त चैस के सामने से गुजर रहे हैं। ये बहादुराबाद का एरिया है और ये आपको जो सामने पार्क नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत पार्क है ये भी, लेकिन ये यहाँ के रिहायशी लोगों के लिए ही है, उनकी ही फैमिलीज यहाँ एंटर हो सकती हैं। और जनाब, ये यहाँ की कराची की मशहूर बहादुराबाद चौरंगी है, कराची वाले तो जानते ही होंगे इस चौरंगी के बारे में। तो जी, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि आज हम आप लोगों को लेके कहाँ जा रहे हैं। तो जी, आप देख के थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत एरिया है और ये कराची की हाईएस्ट जगह है, समझे, हिल के ऊपर बना हुआ ये सारा एरिया। तो जी, हम हिल पार्क जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर और आपको भी वहाँ की सैर कराते हैं और दिखाते हैं हिल पार्क का व्यू। तो जी, यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ कोई गेट वेट नहीं है लगा हुआ और यहाँ से आप एंटर होते हैं। और ये आप देख रहे होंगे यहीं से ऊंचाई शुरू हो चुकी है, पहाड़ नज़र आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। जी, ये इंट्री है, यहाँ पे आपको पार्किंग चार्जेस और इंट्री के पैसे देने होते हैं, टिकट लेना पड़ता है यहाँ से। तो जी, यहाँ से अब हम इन अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। इसका पार्किंग एरिया है। काफ़ी वसी और अरीस एरिया पे इन्होंने बनाया हुआ ये पार्क। तो जनाब, यहाँ से पार्क शुरू हो चुका है और आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हिल पार्क का, जिस वजह से ये मशहूर है कि यहाँ से पूरा कराची नज़र आता है। तो चलते हैं यहाँ पे हिल पर टॉप पे और आपको दिखाते हैं वहाँ से कराची शहर का मंज़र। तो जनाब, ये सूरत हाल है इस वक्त हिल पार्क की, ये आपको कंडीशन नज़र आ रही होगी कि ये बारिशों में काफ़ी यहाँ नुकसान हुआ है। मोहिब और अभी फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं इस पार्क में।
बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अगर इसे मेंटेन किया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो जनाब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। ये देखें, इसका ये पार्किंग एरिया है, ये पूरा काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। काफ़ी वसी और अरीस जगह है यहाँ पे। तो जी चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है आगे यहाँ पर। बहुत अच्छा एरिया है कराची के लिए, कराची वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, दरख्त हैं, पौधे लगे हुए हैं और ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पे हवा भी काफ़ी ताज़ा है। बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं कि हाइट पे उन्हें देखने को कोई जगह मिली कराची में। और ये इसका रास्ता है और यहाँ से पूरा पार्क का व्यू नज़र आता है। तो जनाब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट। तो जनाब यहाँ से ये खूबसूरत कराची नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरा कराची आपको नज़र आता है, इतनी ऊंचाई पे ही ये जगह।
और बहुत खूबसूरत व्यू आता है। जैसे इस्लामाबाद में आप दामन खौफ से खड़े होके देखते हैं व्यू, बिल्कुल ऐसे ही ये कराची का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से आप पूरे कराची का व्यू देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी और तवज्जो दी जाए तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल इस्लामाबाद के दामन खौफ की तरह बनी हुई है ये जगह। ऐसे ही पहाड़ हैं, हरियाली है, दरख्त लगे हुए हैं और ये देखिए बिल्कुल नीचे घर बने हुए, पहाड़ से नीचे ही घर हैं। चारों तरफ का व्यू आपको नजर आ रहा होगा। आपको आगे दिखाते हैं जहां से पूरा कराची नजर आता है, सामने जो आपको नजर आ रहा है घर वगैरह हैं जो यहाँ बने हुए इसके नीचे पहाड़ के नीचे से। ये खूबसूरत व्यू है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से, सूरज गुरूब होने वाला था और ये बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था यहाँ के, और सुकून माहौल और बहुत अच्छी जगह। और जनाब ये है वो जगह जहाँ खड़े होकर आप पूरा कराची देख सकते हैं। तो जी हम फाइनली उस जगह पे पहुँच गए, आप यहाँ पे खड़े होके पूरे कराची देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू लगता है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से लगता है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है, कराची बहुत खूबसूरत शहर, ज़बरदस्त व्यू है जी।
तो जनाब ये है यहाँ का व्यू, आपने देखा। तो जनाब चलते हैं आगे आपको लेकर और आगे से दिखाते हैं आपको। तो जी ये यहाँ से जहाज़ गुजर रहा है, कतर एयरलाइन का ये जहाज़ है। जी व्यू ये यहाँ का ज़बरदस्त सा। तो जी यहाँ पे ये झूले वगैरह थोड़े से लगे हुए हैं बच्चों के लिए। रश ज़्यादा नहीं था इतना, लेकिन लोग आए हुए थे। बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय करा। झूले वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं साइड से आबादी नज़र आ रही है कराची की यहाँ से भी। और ये जो आपको झंडा नज़र आ रहा है ये किडनी हिल है। तो जी चलते हैं आगे और आगे का व्यू देखते हैं पार्क का। नीचे उतरते हैं और आपको बाहर व्यू दिखाते हैं। पार्क के खूबसूरत नज़ारे आप हमारे साथ एंजॉय करें। तो जनाब हम पहुंच गए हैं झील के पास और ये हील पार्क की झील है। इसमें काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, सफाई नहीं है, बत्तखे काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और शाम के वक्त ये भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जनाब हमें एक रास्ता नज़र आ गया है झील के अंदर जाने का, तो देखते हैं अंदर से क्या व्यू आता है। जी ये तख्ती लगी हुई है, आप इफ्तिता हुआ है जी पार्क का, फारूक सत्तार साहब ने किया था। तो जी ये रास्ता झील के अंदर जा रहा है और यहाँ पब्लिक नहीं है, तो यहाँ कोई भी नहीं था तो हम अंदर चले गए हैं। खूबसूरत रास्ता है ये, देख रहे होंगे आप पब्लिक बाहर की साइड पे खड़ी हुई है। तो जी हम चलते हैं अंदर और ये डकों का हाउस है यहाँ पे शायद बना हुआ। और ये बहुत प्यारी और खूबसूरत सी डक्स है यहाँ पे। तो जी ये इनको डाला जा रहे हैं यहाँ पे।
तो ये डकों को टॉपअप्स डाले जा रहे हैं, यहाँ पहले से पड़े हुए थे तो ये अभी और यहाँ पे इनको डाला, तो वो सब इकट्ठी हो गई हैं खाने के लिए। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पार्क की झील अंदर से कैसे नज़र आती है। सारी बत्तखें इंतज़ार में हैं खाने के, कि कुछ डाला जाए इन्हें। अबिया और मोहिब को तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। जी ये झील है और इसमें ये बत्तख तैरती हुई आपको नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है ये। माशाल्लाह से मेरी छोटी सी डॉल अबिया है ये। अबिया को तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बत्तखों के साथ, और उन्होंने अपने पापा से कहा है कि पॉपकॉर्न लेकर आए और हम बत्तखों को और डालेंगे, पॉपकॉर्न्स खिलाएंगे। तो अब हम जाते हैं उनके लिए पॉपकॉर्न्स लेने के लिए, अभी दोबारा आएंगे यहाँ पे पॉपकॉर्न डालने। जनाब ये है शाम का व्यू और ये मगरिब का टाइम हो चुका है, लाइटें ऑन हो गई हैं, पार्क का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, ज़बरदस्त व्यू है जी। लाइटिंग में तो अपना ही व्यू है इसका, डे लाइट का अलग व्यू होता है और नाइट का अलग व्यू है ये पार्क का, और ज़बरदस्त व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा है, हरियाली है, दरख्त है यहाँ पे। तो जी अब यह लेकर आ गई है पॉपकॉर्न और अब डाले जाएंगे अपने डक्स को पॉपकॉर्न यहाँ पर। आप देख रहे हैं किस तरह सारी डक्स आ गई हैं। आप लोग भी जो भी जाए तो डक्स वगैरह के लिए जरूर लेके जाया करें। देखिए कितनी खुशी खुशी खा रही हैं डक्स और कितनी खुश हैं। और यहाँ पे ये शाम का व्यू है, बत्तखें बस खाती फौरन निकलनी है वो, उन्होंने कहा खाना आपने देना है तो हमने रुकना है वरना हम जा रहे हैं। तो देखिए जी दोबारा आ गई हैं,
अब यानी कुछ दाने और डालें तो वो पलट के वापस आ गई हैं। और ये है खूबसूरत व्यू इस वक्त, झील का बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, शाम का मंज़र तो और ही बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ज़बरदस्त व्यू था, पुरसकून जगह है, बच्चों को लेके ज़रूर आप लोग जाएं, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। ये इसका शाम का व्यू है झील का, बहुत ज़बरदस्त जी व्यू है यहाँ का। ये बत्तखें जी वापस जा रही हैं अपने, और ये शाम का व्यू आप देखें, बहुत ज़बरदस्त जी। काफ़ी सारे डक्स हैं यहाँ पर, और बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी डक्स हैं, पीछे नहीं लगती। तो जनाब ये है शाम का व्यू, पार्क का आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए फन लाइट्स भी बना हुआ है जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में दिखाऊंगी। आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ये यहाँ की मस्जिद है। तो जी हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट पार्ट तक, अल्लाह हाफ़िज़।